सुबह 6 बजे उठ चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि बाहर कितना अंधेरा है अभी। और आज का मैच होना है हमारा 7 बजे, और इसके लिए देख सकते हो आप अभी फ़िलहाल तो बाहर 6 बजे मौसम कुछ ऐसा है आजकल, और ठंड भी बहुत है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह के 6 बज रहे हैं और क्रिकेट के लिए दीवानगी देखिए, हम लोग निकल रहे हैं मैच खेलने के लिए। 7 बजे से ग्राउंड बुक्ड है और पीछे देखिए मेरे कितना अंधेरा है। ये तो स्ट्रीट लाइट है, थोड़ा बहुत उजाला है, देख ऐसा अंधेरा। और भाई लोग आगे मेरा वेट कर रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ। और ये रे भाई लोग जल्दी 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 निकलते हैं, दो गाड़ियाँ लग चुकी हैं हमारी। गुड मॉर्निंग, दोनों तरफ देखिए कितना फॉग है, इतने फॉग में जाना है हमें खेलने के लिए। ग्राउंड में तो पहुंच चुके हैं बट खेलने के आसार नहीं लग रहे हैं। देख रही है मेरे चारों तरफ, ये देखिए हमारे प्लेयर्स सारे आ चुके हैं, बट ये देखिए फॉगी फॉग है चारों तरफ। बहुत ही मुश्किल है मैच होना, एटलीस्ट 1 घंटा तो लगेगा इसको छटने में, देखते हैं। ये देखिए ग्राउंड की लाइट तक भी नहीं दिख रही है। इतनी सुबह फर्स्ट लॉट लेने के रीजन 2 है, एक तो ये कि आजकल सर्दियों में सेकंड स्लॉट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, मिलता ही नहीं है स्लॉट। और दूसरा क्योंकि सारे के सारे कॉर्पोरेट मजदूर हैं, तो हम में से कई लोगों को वापस अभी ऑफिस जाना है, तो 2 रीज़न है। बट मॉर्निंग स्लॉट का घाटा भी यही होता है कि अभी एक तो टर्फ गीली रहेगी, ग्राउंड भी गीला रहेगा, और उसके बाद जो है ठंड भी काफ़ी रहेगी। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है आज के मैच में, कब तक शुरू कर पाते हैं हम अपना मैच। भाई होगा 8:30 बजे के आसपास स्टार्ट, मुझे तो ऐसा लग रहा है। 8:30 भाई, 3 घंटे लगेंगे, मैं ऑफिस कब जाऊंगा यार। ये देख रहे ना भाई, 8:30 से पहले मुश्किल लग रहा है इसका। मैक्सिमम 3 मीटर विजिबिलिटी होगी, उससे ज्यादा नहीं है यहाँ पे। और कुछ नहीं दिख रहा ना अमित, कुछ भी नहीं दिख रहा। पिच का दूसरा कोना तक नहीं दिख रहा, सोच सकते हैं आप कि विजिबिलिटी कैसी है। लगभग ग्राउंड पे 1/2 घंटे से ऊपर का टाइम हो चुका है हमें, और स्टिल अभी आप देख सकते हैं फॉग इतना का उतना ही है। फॉग छटने में भी और टाइम लगेगा, और जिस वजह से मैच और डिले होगा। देखते हैं कब तक कर पाते हैं हम अपना मैच शुरू। फिलहाल आगे आज जली है आग, हाथ से के जाएं थोड़े से। मुझे जनरेटर वाले से मांग के लाया, पूरी जगह साला 7:30 बजे बुला रहा था यार, कहाँ के जगह ला दूँ क्या। को रिंकू भाई को थोड़ी देर टाइम पास ही किया जाए। अभी तक भी मैच शुरू नहीं हुआ, लगभग 1.5 घंटा हो चुका है हमें ग्राउंड पे। अभी एक घंटा और लगेगा। ग्राउंड के हालात देख के ऐसे लग रहा है, देखिए अभी भी इतना फॉग है जो छटा ही नहीं है अभी तक। और उधर टीम स्ट्रेटजी चल रही है, टीम प्रशांत की, और इधर हमारे कैप्टन है आज सुशांत भाई। तो इधर भी टीम स्ट्रेटजी चलेगी, उनकी टीम लगभग स्ट्रॉन्ग है। 8 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं अभी भी फॉग नहीं छटा है, बट हम टॉस जीत चुके हैं और पहले बॉलिंग करेंगे। शुक्ला जी और अमित हमारे ओपनर हैं, और हमें चेज करने, भाई कितने चेज करने में, 134। और आज का बॉलर अन्नू यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कराई, और देख सकते हैं फॉग पूरी तरह से छटा तो नहीं है अभी, बट फिर भी ये लड़का बहुत ही एनर्जेटिक लड़का है, ये सुबह से खेल रहा है और अभी भी इसकी एनर्जी कम नहीं हो रही है। मात्र 134 रन बनाने हैं अभी हमें, 18 ओवर का ही रह गया है मैच, 2 ओवर कट हो चुके हैं फॉक की वजह से। देखते हैं हमारे बैट्समैन 134 के लिए जल्दी चीज़ कर पाते हैं, और
पहली गेंद और ये बहुत ही अच्छी गेंद, और आराम से यहाँ पे सिंगल रन मिल जाएगा बाई के रूप में, एक रन बाई गेंद लेकर। शुक्ला जी टच नहीं कर पाए और एक पहला विकेट का पतन हमारे शुक्ला जी के रूप में, और प्रशांत ने लिया है। दूसरे बैट्समैन के रूप में अब आए हैं नितिन सीनियर, देखते हैं क्या कर पा। लेग बाई के रूप में आसानी से रन चुरा लिया, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और यहाँ पे अमित जूनियर रिटायर्ड हर्ट, और उनकी जगह आए हैं अभिषेक भाई, देखते हैं क्या कर पाते हैं। राणा जी अपनी ओवर की दूसरी गेंद लेकर बबलू भाई के लिए, देखते हैं बबलू भाई क्या कर पाते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद और बहुत ही सुंदर कवर ड्राइव, और वहाँ पे मिस फील्डिंग और चार रन, बहुत ही सुंदर ड्राइव। राणा जी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, देखते हैं क्या कर पाते हैं यहाँ पे अभी भाई। बहुत ही अच्छी गेंद बीट किया वहाँ पे सिरे से, और यहाँ पे जीतू भाई की बहुत ही अच्छी कीपिंग, बॉल को पीछे जाने ही नहीं दे रहे हैं। दूर छोर से अगले गेंदबाज के लिए बुलाया गया है आकाश को, सामना करेंगे यहाँ पे बबलू भाई, देखते हैं। पटकी हुई गेंद और उसको शानदार तरीके से खेल दिया है बाउंड्री लाइन के पार, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी फील्डिंग सचिन की, लंबी लंबी टांगे हैं और जल्दी ही पहुँच जाते हैं बॉल पे। दो रन से संतोष करना पड़ेगा यहाँ पे, अच्छा शॉट था। आकाश अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर, और फिर से पटकी हुई गेंद और उसका नतीजा उतना ही शानदार, चार रन। तीसरी गेंद आकाश की, देखते हैं क्या कर पाते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, फ्री हिट, और फ्री हिट का यहाँ पे पूरा फायदा नहीं उठा पाया, यहाँ पे बहुत ही अच्छी फील्डिंग शिवम की। नितिन भाई सामना करेंगे यहाँ पे, आकाश अपने ओवर की अगली गेंद लेकर बबलू भाई के लिए, देखते हैं क्या कर पाते हैं। और ये बहुत ही अच्छी गेंद, सदी हुई गेंद, अगली गेंद लेकर फिर से आकाश, और ये फिर से वही शॉट, बहुत ही शानदार शॉट, चार रन। आकाश अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर यहाँ पे, देखते हैं क्या कर पाते। फिर से पटकी गेंद और उसका नतीजा वही, फील्डर बॉल के पीछे, और जब तक बॉल फील्ड हो पाती है वहां पे काफी, चार रन। और पिंकू को बुला गया है अगले ओवर के लिए, बहुत ही अच्छी गेंद, और यहाँ पे अंकुर भाई की बहुत ही अच्छी फील्डिंग अंकुर भाई की यहाँ पे। ब्लू भाई अगली बॉल के लिए तैयार हैं, देखते हैं क्या कर पाते हैं। बहुत ही सुंदर गेंद, वाइड गेंद का इशारा एम्पायर का, थोड़ा सा विवाद यहाँ पे, और वाइड गेंद, और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गर्मा गर्मी फील्ड में, और इसी देखते और हल्के फुल्के विवाद के बाद मैच फिर से स्टार्ट होता हुआ यहाँ पे, और अगली गेंद लेकर देखते हैं क्या कर पाते हैं वहाँ पे बबलू भाई। बहुत ही अच्छी गेंद, पैरों पे रही, डिफेंस किया उससे आसानी, बहुत ही अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं अभी, देखते हैं क्या कर पाते हैं इस गेंद में। और पूरी तरह से तैयार, सचिन यहाँ पे अगले गेंदबाज के रूप में, देखते हैं अपनी टीम को सफलता दिला पाते हैं या नहीं। दूर छोर से सचिन सामना करेंगे बबलू भाई, और पूरी तरीके से बल्ले पे नहीं छेड़ी बॉल, शॉर्ट पिच गेंद थी। नितिन भाई और ये शानदार लेट कट वहां पे बाउंड्री लाइन की तरफ भागती हुई गेंद शिवम बॉल के पीछे, और चार रन। माने खिलाड़ी दीपू भाई आज बहुत ही अच्छी बैटिंग की उन्होंने, और हमारे साथ हैं वहां पे तोड़फोड़ बल्लेबाज चंदन भाई, देखते हैं अगले आने वाले बल्लेबाजों में शामिल है ये। और सचिन
अगली गेंद लेकर, और ये फिर से वही लेट कट वहां पे, पर सचिन अब आपकी बार, शिवम बॉल के पीछे शानदार फील्डिंग, मात्र एक रन। फिर से एक बार फिर सचिन, और ये बहुत ही सुंदर चार रन, बहुत ही सुंदर, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इस शॉट की, बहुत ही सुंदर चार। सचिन अगली गेंद लेकर, और ये बहुत ही लॉफ्टेड शॉट, छह रन शॉट है, और ये भी कैप। बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं अभी बबलू भाई, देखते हैं सचिन क्या कर पाते हैं इस गेंद में, और आसानी से उसको टैप कर दिया बस। जीतू भाई थोड़े से परेशान, गेंदबाज वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पे बुलाया गया है प्रशांत को, देखते हैं आज बल्ले से भी रन बनाए प्रशांत ने, गेंदबाजी में क्या कर पाते हैं। और ये बहुत ही बाहर गेंद, अंपायर का इशारा संभवतः वाइट होना चाहिए था बट मिस हुआ। प्रशांत इस ओवर में तीसरी गेंद लेकर, वाइड गेंद संभवतः, प्रशांत की अगली गेंद, और ये शानदार चौका वहां पे फील्डर ना होने की वजह से, चार रन, बहुत ही शानदार चौका। और ये सिंगल के लिए आसानी से टहला दिया गेंद को, 15 रन के निजी स्कोर पे हैं अभी नितिन भाई, और 38 के निजी स्कोर पे हैं यहाँ पे बबलू भाई, बहुत ही शानदार बैटिंग भी कर रहे हैं, और यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट भी उतनी ही अच्छी दोनों बैट्समैन की, बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन किया दोनों ने एकदम से, और दो रन लेने में कामयाब रहे। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 65 रन, और देखते हैं प्रशांत क्या कर पाते हैं। और ये आउट की अपील, और देखते हैं क्या कर पाते हैं यहाँ पे, फिर से वही विवाद की स्थिति यहाँ पे, और फिर से वही गहमा गहमी, गर्मा गर्मी, इतनी ठंड में थोड़ी सी गर्मा गर्मी, और फिर देख सकते हैं अगली गेंदबाज। और इस विवाद के बाद दोनों अंपायर चेंज किए गए हैं, और आकाश हमारे साथ जुड़े हैं नए कीपर के रूप में, बहुत ही अच्छे गेंदबाज और बल्लेबाज, और यहाँ पे अनु को भूमिका दी गई है नए अंपायर के रूप में, और जीतू भाई खुद अब बॉलिंग की कमान संभालेंगे, नितिन भाई देखते हैं क्या कर पाते हैं। ओवर पिच गेंद, और यहाँ पे अंकुर भाई की बहुत ही अच्छी फील्डिंग अंकुर भाई की, और 100% देते हैं अपनी टीम के लिए जहाँ पे भी जाते हैं, बहुत ही अच्छी यहाँ पे उनकी फील्डिंग। दूसरी गेंद लेकर जीतू भाई, देखते हैं क्या कर पाते हैं यहाँ पे नितिन भाई, और इसको आसानी से फिर से वही लेट कट, जाना पहचाना एक रन के लिए। जीतू भाई देखते हैं क्या कर पाते हैं इस बार में बबलू भाई, और ये बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत, और ये बहुत ही शानदार शॉट वहां पे, पर प्रशांत एकदम चीता फील्डर हैं प्रशांत, अपनी टीम को बहुत रन बचा के देते हैं, और अभी भी वही काफी दूर से दौड़ के आए और अपनी टीम के लिए 4 रन सेव किए, मात्र 1 रन मिल पाया, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्कोर, अभी 70 पार कर चुके हैं हम, और देखते हैं विकेट भी ज़्यादा आउट नहीं हुए हमारे, देखते हैं क्या कर पाते हैं। और अब नए गेंदबाज के रूप में बुलाया गया है फिर से प्रशांत को, देखते हैं बबलू भाई क्या कर पाते हैं। और यहाँ पे रन आउट का चांस, बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में, और आराम से 1 रन यहाँ पे हो सकता था रन आउट, वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा वीक रही। पिछली गेंद में 1 रन आउट मिला विपक्षी टीम को, और इस बार प्रशांत, और प्रशांत को लॉफ्टेड शॉट लगाया, पर उधर वहाँ पे दीपू भाई हैं, बहुत ही शानदार फील्डर अपनी टीम के लिए, लेफ्ट हैंडेड, और आसानी से टीम के लिए 2 रन सेव किए उन्होंने, मात्र 1 रन मिल पाया। सुशांत भाई के रूप में अगले बल्लेबाज, जो कि आज हमारी टीम के कैप्टन भी हैं, देखते हैं अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं वहाँ दूर छोर से प्रशांत। और ये बहुत ही शानदार शॉट, 1 रन प्रशांत अगली गेंद में, और ये लॉफ्टेड शॉट चिप कर दिया है, और यहाँ पे विकेट का पतन। बबलू भाई बहुत ही अच्छा खेल रहे थे यहाँ पे, और अपना विकेट खो बैठे वहाँ पे, प्रशांत बहुत ही खुश इस विकेट को लेके। और मनोज भाई के रूप में अगले बैट्समैन, देखते हैं क्या कर पाते हैं, बहुत ही
बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। बहुत ही अच्छी गेंद। मनोज भाई देखते हैं क्या कर पाते हैं इस ओवर में। अपना पारी का दूसरा बॉल फेस करेंगे। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पे प्रशांत की। और जीतू भाई मनोज भाई के लिए, और मनोज भाई का बहुत ही अच्छा शॉट पर, और आउट, रन आउट यहाँ पे। कैसा रन आउट, बहुत ही अच्छा रन आउट। फिर से विवाद। जीतू भाई ने यहाँ पे बहुत ही सतर्कता दिखाई, जिसके चलते उनको एक रन आउट मिला। और यहाँ पे आकाश काफी खुश है अपनी टीम के लिए। देखते हैं क्या कर पाते हैं वहां पे जीतू भाई। और मनोज भाई सामना करेंगे जीतू भाई की गेंद का, और लेट कट। सचिन वहां पे बहुत ही मुस्तैद फील्डर है, गेंद को जाने नहीं दे रहे हैं। एक बार फिर जीतू भाई मनोज भाई के लिए, और यहां पे लॉफ्ट कर दिया है पीछे, कीपर ही बॉल के पीछे हैं। और बहुत ही शानदार दो रन। मनोज भाई सामना करेंगे फिर से जीतू भाई का, और यहां पे काफी मुस्तैद फील्डर हैं वहां पे अंकुर भाई, और एक भी रन इनके हाथ से जा नहीं रहा है। बहुत ही अच्छे। इसी बीच घातक बल्लेबाज चंदन भाई की एंट्री हो चुकी है, और टैप किया गेंद को, कहे पहली गेंद देखना चाहते हैं। काफी लंबे लंबे हिट आते हैं इनके बल्ले से, आज देखते हैं क्या कर पाते हैं। और इसी बीच आप देखिए हल्की हल्की धूप मैदान में खिल चुकी है, कोहरा भी छट चुका है, और देखते हैं। और ये बहुत ही शानदार शॉट, उड़ता हुआ छक्का। और यहाँ पे अनु बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पे सचिन की, अनु पूरी तरह से बीट हुए, और लेट कट। मनोज भाई सामना करेंगे सचिन की गेंद का, और ये बहुत ही अच्छा शॉट, सीधा शॉट, जब तक वहाँ पे फील्डर फील्ड बॉल कर पाते हैं। देखते हैं आसानी से दो रन, नहीं सिंगल से संतोष करना पड़ेगा। मैच थोड़ा सा फंस गया है, 36 गेंदों में 56 रन चाहिए। और यहाँ पे जीतू भाई बॉलिंग की कमान संभालते हुए मनोज भाई की, और मनोज भाई आसानी से सिंगल निकालना चाहते हैं, और राणा जी के यहाँ पे मिस फील्ड, जिसके चलते आसानी से एक रन मिल जाएगा। दो रन की दरकार, नहीं दो रन नहीं ले पाए। अनु सामना करेंगे यहाँ पे जीतू भाई का, और ये बहुत ही अच्छा लॉफ्टेड शॉट वहाँ पे, प्रशांत की अच्छी फील्डिंग, मात्र एक रन। 34 बॉलें 54 रन मनोज जी, और ये फिर से हुई फुल टॉस गेंद। रन की दरकार 31 गेंदों में, देखते हैं क्या कर पाते हैं। और अनु का बहुत ही शानदार शॉट, मात्र एक रन। 30 गेंदों में 48 रन, देखते हैं क्या हो पाता है मैच में। और ये बहुत ही अच्छी गेंद अनु क्रॉस चला बैठे इस बार, देखते हैं। अनु वैसे सिचुएशन में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, आज देखते हैं क्या कर पाते हैं। और इसी बीच अगली गेंद का सामना करेंगे अनु, और ये हवा में उछाला गया है शॉट प्रशांत गेंद के नीचे। अरे प्रशांत ने कैच ड्रॉप कर दिया, प्रशांत से ऐसी उम्मीदें नहीं होती, और प्रशांत ने यहाँ पे शायद मैच ड्रॉप कर दिया है। अगली गेंद अनु को एक जीवनदान मिल चुका है इस ओवर में, और फिर से वही, अरे फिर से ड्रॉप, लगातार दो कैच ड्रॉप कर चुका है प्रशांत। बहुत ऐसी स्थिति कभी नहीं होती प्रशांत के साथ, पर आज हर खिलाड़ी का दिन नहीं होता कभी। नितिन के रूप में अगले बल्लेबाज, नितिन स्टांस सेट करते हुए और अगली गेंद का सामना करेंगे। और ये बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से नितिन, चौबीस गेंदे और 45 रन,
आकाश को अगले गेंदबाज के रूप में बुलाया गया है। सामना करेंगे अनु। बहुत ही अच्छी गेंद। और यहाँ पे रन आउट की अपील और साफ आउट है। बाल बचे पिछले में, बॉल पे रन आउट हो सकते थे। फिर से अगली गेंद देखते हैं अनु क्या कर पाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हवा में उछला हुआ कैच और फील्डर बॉल के नीचे और आउट। दो हम नहीं भाग पा रहे थे उसका। भाग ले रिंको, एक और भागो और थ्रो हो गए। शॉट है लड़के, शॉट है, चार है तो चार, दो छक्के मार दे हो जाएगा, चिंता मत कर। नहीं आ तो रही है पेस, वाले इनकी टीम के सब लोग पेस फेंक पा रहे हैं, हमारे पेस भी फेंक पा रहे हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया रिंको, बहुत बढ़िया, गुड रनिंग रिंको, गुड रनिंग। मुझे लगा रिकॉर्डिंग चल रही है। छक्का है, छक्का है, छक्का निकल गई। एक ओवर में 23। किन्नी के, हाँ भाई तो समझ ही नहीं आया, मेरा ही बैट सिर्फ चला, आपका किसी का बैट नहीं चला ढंग से, कनेक्शन ही नहीं बना, तेरा नहीं चला, नितिन का नहीं चला, चंदन का नहीं चला, ये तीन बंदे तो हमारे पावर हिटर हैं। मतलब हमारी टीम के हिसाब से हम कुछ कर नहीं सकते फिलहाल, बॉलिंग हमने बहुत अच्छी करी। बट मुझे ऐसा लगा कि अब वही है, अगर ओपन आप चेंज करोगे तो फिर ये यूज नहीं हो पाते जूनियर शुक्ला जी ना, ये मार सकते हैं। छोड़ दी वो, डबल चार पे बाय रिंको सारे चाहिए अब भाई, है ना, उड़ा के ही चाहिए अब सारे। नुबोले उनका फ्लिक शॉट वैसा वाला ना, सिंगल वाला। खत्म तो अभी हो गया, खत्म है अब तो, वैसे ही नीचे तीन ही तो रह गए बॉल। दो पे बाय, बहुत बढ़िया 18 मिनिमम चेस का। कीपिंग इन माइंड चांस हो रहे मेरे, हाँ अरे कनेक्ट ही नहीं हुआ वरना मैं चांस देता ही नहीं। बहुत बढ़िया टीम है, फुल टॉस पे चांस कहाँ दे दूंगा मैं। लास्ट बॉल बढ़िया, चलो मैच हार चुके हैं हम, नहीं जीता पाए अपनी टीम को, और जीतने वाली टीम की खुशी देख सकते हैं। ये देखिए हमारी विनिंग टीम की खुशी देखिए, ये लड़का अब चिल्लाया पूरे मैच में। सर कैसा लग रहा है आपको पहला विनिंग? बहुत अच्छी बिल्डिंग की सर आपने, आप छो तुम